अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जुडिशियल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पास करने का एक इफ़ेक्टिव जो स्ट्रेटेजी है वो आपके साथ शेयर करूंगा। माय दिस लेक्चर इज एक्सक्लूसिवली फॉर द एस्पायरेंट्स ऑफ जुडिशियरी who are keenly interested to their selection as additional district judges and civil judges. इसके वीडियो के अंदर जो मैं आपके साथ एक स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा, आपने अगर उसको लेटर और स्पिरिट में एडॉप्ट किया, उसको फॉलो किया, तो ये एग्जामिनेशन आप सक्सेसफुली पास कर सकते हैं। इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए कोई रात दिन की स्टडी नहीं चाहिए, 12 महीने की या 2 साल की स्टडी भी नहीं चाहिए। प्लानिंग के साथ आप एक ऐसा इस स्टडी का शेड्यूल बनाएं और रिलेवेंट इंस्टीट्यूट्स को आप स्टडी करें, उसकी लिंक्स और मॉड्यूल्स को आप सही माना में फॉलो करें, आप उसके पास पेपर्स जो हैं वो देखें, एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया को समझने की कोशिश करें। क्योंकि ये जो जुडिशियल एग्जामिनेशन है जो अभी सारे पाकिस्तान के अंदर कंडक्ट हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट CSS पैटर्न के हो गए। उसके अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट है, रिटन टेस्ट है और वायोस है, और उसके अंदर जो अभी क्वेश्चंस आते हैं जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके अभी भी ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते हैं, मुख्तलफ तरीक़ेकार के क्वेश्चंस होते हैं। तो उसको समझने के लिए आपको प्लानिंग के साथ पहले एक ऐसा आप मेथडोलॉजी आप अडॉप्ट करें कि जैसे एग्जामिनेशन का अटेम्प्ट करना आपके लिए इजी हो जाए। आपके पास एलिजिबिलिटी तो है टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन, लेकिन एबिलिटी नहीं। एबिलिटी आपको अचीव करनी है, उसके लिए आपको एक एफिशिएंट स्ट्रेटेजी जो है वो अडॉप्ट करनी है। तो मैं आपके साथ वो आज के इस वीडियो के अंदर वो बातें शेयर करूंगा जिससे अगर आप सही माना में फॉलो करेंगे तो इस जुडिशियल एग्जामिनेशन को आप सक्सेसफुली पास करें। ये मेरे एक्सपीरियंस में आया है कि कुछ कैंडिडेट्स 12 महीने स्टडी करने के बावजूद भी पास नहीं होते और कुछ कैंडिडेट्स सिर्फ 1 महीने की स्टडी से इस इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं। प्लानिंग के साथ अगर आप सही माना में काम करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। आप देखिए कि इसके अंदर 3 फेसेस हैं, देर आर 3 फेसेस टू पास द जुडिशियल एग्जामिनेशन। ये जरा आप स्क्रीन पे मुलाहिज़ा करें। नंबर 1, डिटरमिनेशन टू पास द एग्जामिनेशन। नंबर 2, इफेक्टिव प्लानिंग स्ट्रेटेजी बिहाइंड द डिटरमिनेशन। नंबर 3, प्रैक्टिकली वर्किंग ऑन दैट प्लानिंग। ये 3 फेसेस हैं, अगर इसको आप सही माना में इसको फॉलो किया तो एग्जामिनेशन पास करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। एक तो पहले आप डिटरमिन तो करें भाई मुझे एग्जामिनेशन देना है, एग्जामिनेशन पास करना है। जब आप डिटरमिन करेंगे तो फिर आपकी टाइमलाइन चेंज होगी और इफेक्टिव प्लानिंग और स्ट्रेटेजी उस डिटरमिनेशन के पीछे तब बनती है जब आप उसकी एरियाज को, अपनी स्ट्रेटेजी को उस लाइन पे ले जाएं जिसके अंदर ये आपका एग्जामिनेशन सक्सेसफुली आप कॉम्पीट कर सके। तो तीसरा जो मरहला आता है वो है प्रैक्टिकली वर्किंग ऑन दैट प्लान। एग्जामिनेशन का एक टेम्पो होता है, अगर एग्जामिनेशन की डेट आ जाती है और अनाउंस हो जाती है पर्टिकुलर डेट आपके एग्जामिनेशन की स्क्रीनिंग रिट में, तो टेम्पो बन जाता है। अगर एग्जामिनेशन नहीं है तो टेम्पो नहीं है, टेम्पो नहीं है तो आपके स्टडी का वो जो रुझान है वो नहीं रहता। तो इसके अंदर जो प्रैक्टिकली आप वर्क करते हैं तो 1 महीने के अंदर आप इतना वर्क करते हैं जो 1 साल के अंदर वर्क नहीं होता। तो मैं इसीलिए आपके साथ जो इसके अंदर बातें शेयर करूँगा कि जुडिशियल एग्जामिनेशन आप किस तरह से पास करें, लेकिन उस स्ट्रेटेजी के अंदर आप कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो कंसल्ट करें। क्योंकि आपको पता है आपके 3 राउंड्स हैं एग्जामिनेशन के, स्क्रीनिंग है,
रिटन है और तीसरा वाउस। और हर राउंड के जो स्टेट्यूट्स हैं वो कुछ मुख्तलफ भी हैं, सेम भी हैं, आइडेंटिकल हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। जो स्क्रीनिंग टेस्ट के क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो रिटन के क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट होते हैं, और वाइवोसी तो फेस टू फेस एग्जामिनेशन है, उसकी एफिकेसी तो हर एग्जामिनेशन से डिफरेंट। तो लिहाजा मैं आपके साथ वो इंस्टीट्यूट्स शेयर करूँगा विच आर थर्स्ट मेन थर्स्ट एंड करेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। आपने अगर उस इंस्टीट्यूट्स को सामने रखा तो आप इसको सक्सेसफुली अटेम्प्ट करेंगे। नंबर टू, फिर उस इंस्टीट्यूट्स के जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मॉड्यूल्स और लिंक्स और चैप्टर्स कौन से होने चाहिए, वो भी आज इसके वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आई होप अगर आपने सही माना में इस मेरी वीडियो को फॉलो किया और लेक्चर टिप्स को आपने उसको समझने की कोशिश की तो इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना और पास करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। जो स्टेट्यूट्स आपको कंसल्ट करने हैं वो ये सिविल प्रोसीजर कोड ऑन सिविल साइड, सिविल प्रोसीजर कोड ऑन सिविल साइड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑन क्रिमिनल साइड। ये जो लिटिगेशन आती है तो सिविल लिटिगेशन में सिविल प्रोसीजर कोड आता है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्रिमिनल लिटिगेशन के अंदर एज अ प्रोसीजरल आता है। नंबर थ्री, फैमिली कोर्ट्स एक्ट ऑन फैमिली लिटिगेशन साइड। ये तीन स्टेट्यूट्स हैं जो प्रोसीजर प्रोवाइड करते हैं और ये स्टेट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं प्रोसीजर फैमिली डिस्प्यूट्स के अंदर, सिविल डिस्प्यूट्स के अंदर और क्रिमिनल डिस्प्यूट्स के अंदर। तो मेन स्टेट्यूट्स तो ये तीन हो गए और इसके ऑफ शूट या ब्रांचेस जो हमें कंसल्ट करनी है एग्जामिनेशन पर्पज के लिए वो कौन से। अलॉन्ग विद सीपीसी वी रीड फॉलोइंग अदर सिविल स्टेट्यूट्स, स्पेस रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ईजमेंट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट डैमेजेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, सिंध रेंटेड प्रिमिस ऑर्डिनेंस। ये सिविल के वो स्टेट्यूट्स हैं जिनमें मेनली क्वेश्चंस जो रिटन के हैं और वाईवोसी के जो क्वेश्चंस हैं वो इन इंस्टीट्यूट्स में से आते हैं। और तीसरा जो है सीपीसी प्रोवाइड्स द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल फॉर ऑल द अबव सिविल इंस्टीट्यूट्स। तीसरा जो है ये अलॉन्ग सीआरपीसी वी रीड द फॉलोइंग पिनल इंस्टीट्यूट्स, पाकिस्तान पिनल कोड, इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट, एंटी टेररिज्म कोर्ट लॉज, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो लॉज, नेब लॉज। और सीआरपीसी प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर ऑल दीज पेनल जनरल एंड स्पेशल स्टेट्यूट्स। और तीसरा जो है फॉर फैमिली मैटर्स वी रीड द फॉलोइंग फैमिली स्टेट्यूट्स, फैमिली कोर्ट्स एक्ट, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, मोहम्मद अल्लाह कंटेनिंग द चैप्टर्स गिफ्ट्स विल्स प्रीएम्प्शन वक्फ्स एंड इनहेरिटेंस। फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर ऑल द फैमिली मैटर्स डिस्प्यूट्स। इन सपोर्ट ऑफ अबव सेड स्टेट्यूट्स वी आल्सो कंसल्ट द फॉलोइंग स्टेट्यूट्स, जनरल एंड लोकल लॉज, कानून शाद ऑर्डर, लिमिटेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड आर्बिट्रेशन। Note, all the above statutes are specially for written and VOC test. ये statutes आपको consult करना, आपको VOC के questions जो भी होंगे या written के questions वो भी होंगे इन institutes में से आए। तो ये statutes तो हो गई हमारी examination की syllabus। हम इसको bifurcate कैसे करें, हम इसको कैसे पढ़ें, हम उसको chapter wise study कैसे करें, section wise study करें, chapter wise study करें, इसकी प्रीएम्बल की स्टडी करें, इसकी डेफिनेशन की स्टडी करें, हम क्या स्टडी करें, वो उसके जो मॉड्यूल्स हैं, जो लिंक्स हैं, हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सम एडिशनल स्टेट्यूट्स फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट, जो एडिशनल स्टेट्यूट्स हैं इनके अलावा जो स्क्रीनिंग टेस्ट में आते हैं वो ये हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, डेफामेशन लॉज, साइबर क्राइम्स लॉज। ये वो लॉज हैं जो आपके स्क्रीनिंग में आते हैं लेकिन रिटन और ओरल में कम आते हैं, क्योंकि ये लॉ की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है
तो वो ज़्यादातर इंटरव्यू के अंदर या रिटन के अंदर नहीं आता। ट्रेडमार्क्स लॉज हैं, तो साइबर क्राइम्स लॉज हैं, नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत ये क्राइम्स डिटेक्ट होते हैं, साइबर क्राइम्स लॉज जो भी हैं, ये अभी इसकी डेवलपमेंट हो रही है। कोई ऐसा स्पेशल स्टेट्यूट हमारे सब्जेक्ट में नहीं आया, लेकिन एक इंटरनेशनल लॉ है, उसके तहत ये एक क्राइम्स जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो इसको डिटेक्शन हो रही है। तो अभी इनका जो है वो हमारे जुडिशियल एग्जामिनेशन के अंदर इतनी यानी इसका स्कोप नहीं। बात ये है, ये जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये जो इंस्टीट्यूट्स है, ये इसको हम किस तरह से स्टडी करने का तरीकेकार क्या होना चाहिए, व्हाट शैल बी द इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। अभी हम सीपीसी हमने खोला, अभी हम एग्जामिनेशन पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं, हम उसको कैसे पढ़ें, हमें कैसे पता चले कि इस सीपीसी के अंदर क्या है, हम क्या समझें कि सीपीसी के जो रिलेवेंट पोर्शंस हैं, रिलेवेंट प्रोविजंस हैं या चैप्टर्स हैं, वो एग्जामिनेशन की सिलेबस। सीपीसी के अंदर तो तकरीबन जो है वो 153 सेक्शंस हैं और 40, 52, 53 तो उसके अंदर ऑर्डर्स हैं, वो हम किस तरह से पढ़े। इतनी लॉन्ग स्टडी अगर हम करें तो एग्जाम 1 मंथ के अंदर ये किस तरह से इसको हम सक्सेसफुली कंप्लीट या अकम्पलिश कर सकते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। लेकिन अभी देखिए ना, एग्जामिनेशन की एक अपनी एफएक्यूएसी है, एग्जामिनेशन का एक तरीकेकार है। आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर चार ऑप्शंस मिलते हैं, और चार ऑप्शंस आप किस तरह से करते हैं, जिसके अंदर आप एक ऑप्शन के अंदर रेटिंग करें वो आपकी करेक्ट और अप्रोप्रिएट जाए, नंबर 1। नंबर 2, रिटन के अंदर वो किस तरह की डेफिनेशन है या क्वेश्चन है जिसको आप लिखें एक पेज में या दो पेज में, जो आपका एग्जामिनर है वो उसको अट्रैक्ट करे और आप अच्छी मार्क्स उसके अंदर फेच करें। नंबर 3, ये कौन सी स्ट्रेटेजी आप एडॉप्ट करें कि आप सिलेक्शन बोर्ड के सामने जाएं और आप परफॉर्म करें और वो आपको सिलेक्ट कर दें। ये ऑल दीज आर द क्वेश्चन मार्क्स। हम उन सारी चीज़ों के हमारे पास सॉल्यूशंस हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सपोज कीजिए हम सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड हम पढ़ते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर हमने जब देखा तो हर स्टेट्यूट का, जो भी स्टेट्यूट होता है, आया क्रिमिनल हो या सिविल हो या फैमिली हो, उसके अंदर हम उसके प्रियम्बुल को पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रियम्बुल के अंदर क्या होता है कि उस स्टेट्यूट के अंदर भाई ये है स्टेट्यूट क्या, ये इंडिविजुअल स्टेट्यूट है या कंसोलिडेशन में स्टेट्यूट है, इसकी इनेक्टमेंट किस तरह से हुई है, और उससे बढ़कर ये इसके अंदर डेफिनेशन क्लाज है, और डेफिनेशन क्लाज में कौन कौन सी डेफिनेशन इनकॉर्पोरेट हैं, क्योंकि डेफिनेशन क्लाज जो भी स्टेट्यूट का होता है वो उस स्टेट्यूट का आईना होता है। तो डेफिनेशन क्लाज को पढ़ने से के बगैर हम स्टेट्यूट में आगे बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो जैसे हम सीपीसी का लेते हैं, हमने सीपीसी को देखा कि सीपीसी 1908 की इनेक्टमेंट है, इसके अंदर लॉज को कंसोलिडेट किया गया। तो हम अपने आप से क्वेश्चन तो करेंगे, तो क्या 1908 से पहले सिविल लिटिगेशन नहीं थी, तो हम अपने आप को आंसर तो देंगे कि सिविल लिटिगेशन तो होगी, लेकिन सिविल लिटिगेशन का ये सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो तो बना है 1908 में, और कोड को डिफाइन किया गया है इसके अंदर डेफिनेशन क्लाज में, कोड इंक्लूड्स रूल्स। तो इसका मकसद है कि ये सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में बना, तो इससे पहले रूल्स नहीं थे। ये इज द लास्ट स्टूडेंट, आपको तो इनके आंसर्स तो आने चाहिए ना, पहले आप उनको तो सोचें कि इसकी स्टेट्यूट क्या, ओरिजिन क्या है। तो आपने देखा कि भाई उसके अंदर प्रियम्बल में लिखा गया है, इसको कंसोलिडेट करके बनाया गया है। आपने सोचा, अब आपने देखा कि पहले पोर्शंस में था, उन पोर्शंस को कंसोलिडेट करके एक कोड बनाया गया जो सीपीसी के सूरत में हमारे सामने है। फिर आपने उसके डेफिनेशन क्लाज में देखा, तो उसके डेफिनेशन क्लाज में जो आइटम्स हैं वो ये हैं, लीगल आइटम्स डिफाइंड डेफिनेशन क्लाज ऑफ सेक्शन 2 सीपीसी, डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री होल्डर, जजमेंट डेटा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जज रूल्स, कोड। ये उसके डेफिनेशन और भी हैं, मेन प्रॉफिट्स हैं और बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम की पासिटी है, टाइम तो इसीलिए जो हमने सोचा कि हम आपके साथ मुख्तसर चीज़ें शेयर करें, जिससे आपको मैक्सिमम हम इस वीडियोज़ के थ्रू बेनिफिट दे सकें। तो इसके अंदर हमने ये देखा कि भाई ये प्रोसीजरल लॉ है, इस प्रोसीजरल लॉ के अंदर एक ऐसी चीज़ों का प्रोसीजर है जो लिटिगेशन की तरफ जाता है,
डिक्री एक आउटकम है, एक प्रोसीडिंग की। उस प्रोसीडिंग के अंदर प्लेंट होती है, रिटर्न स्टेटमेंट होती है, एक सूट फाइल होता है, एविडेंस रिकॉर्ड होती है, इश्यूज फ्रेम होते हैं और जजमेंट आती है। जजमेंट के बाद उसको डिक्री फॉलो करती है और डिक्री की एग्जीक्यूशन होती है। एग्जीक्यूशन के अंदर उनकी प्लेंटिव और डिफरेंट का नामन कलेचर चेंज हो जाता है। प्लेंटिव जो है अगर डिक्री हो जाता है तो डिक्री होल्डर बन जाता है, जजमेंट जो डिफरेंट है वो उसके अंदर जजमेंट डेटर बन जाता है। अगर बीच में इन द मीन वाइल अगर कोई पार्टी फोत हो जाती है तो दे आर सुपरसीडेड, वो डिसीज पर्सन सुपरसीडेड बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो वो उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं इन द लिटिगेशन। तो ये एक वो चेन है जिससे हमें एक चीज सामने समझ में आ गई कि इसके अंदर लिटिगेशन का जो एम्बिट है या आर्बिट है वो क्या है और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ है। फिर उसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारी एटम्स हैं, जो जिस तरह से सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग है, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स हैं, समरी प्रोसीडिंग्स हैं, रेगुलर प्रोसीडिंग्स हैं, अपील का चैप्टर है, रिवीजन है, रिवीजन्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन उन सब की जो फाउंडेशन और बेस है वो इन्हीं एटम्स पे है। अगर अपील होगी तो अगेंस्ट डिक्री होगी, अगर अपील होगी अगेंस्ट ऑर्डर होगी, एग्जीक्यूशन होगी तो अगेंस्ट जजमेंट और उसकी डिक्री के होगी, और उसके अंदर पार्टी जो होगी वो डिक्री होल्डर होगा। अगर प्लेंटी का डिफरेंट फोत हो गया तो उसकी जगह पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे। तो हमने देखा कि सारी जो भी हमारे चैप्टर्स हैं उनको ये जो आइटम्स हैं मेनली कवर करते हैं। अभी इसके अलावा एक और भी सिंपल एग्जांपल है जो मैं आपको दूं, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसके अंदर तो हमें पूरा आईना नजर आ गया सिविल प्रोसीजर कोड का। लेकिन एक और स्टेट्यूट है स्पेशल इफेक्ट, उसके डेफिनेशन क्लास को जब हमने पढ़ा तो उसके अंदर सिर्फ तीन आइटम्स डिफाइंड है, ट्रस्ट, ट्रस्टी एंड ऑब्लिगेशन। ट्रस्ट मीन्स एनी कमिटमेंट दैट इज आउटकम ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्टी मीन्स द पार्टिसिपेशन और जिसकी इंटेलिजेंस उसके अंदर होती है, दे आर बिलीव टू बी ट्रस्टीज। ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी इनफोर्सेबल बाय लॉ। अभी एक रीडर जो है वो जब तीन एटम्स पढ़ेगा तो उस तीन एटम्स से स्टेट्यूट की बॉटम लाइन में कैसे जाएगा, और तीन जो डेफिनेशंस हैं ट्रस्ट, ट्रस्टी एंड ऑब्लिगेशन, वो एज अ मिरर का काम कैसे करेंगे कि आप पूरे स्टेट्यूट को यानी समझ जाएं, रीड करें कि भाई इसका थर्स्ट स्टेट्यूट का ये। लेकिन एक चीज तो वाजिब है कि लॉ मेकर से लेजिस्लेचर का इसके पीछे विजडम क्या था कि भाई कोई भी आपका ऑब्लिगेशन है या ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, जो पार्टीज के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है, दैट शुड बी आउटकम ऑफ सम ट्रस्ट, एंड पार्टी शैल परफॉर्म देयर ट्रस्ट एज ट्रस्टीज, पार्टीज शैल डिस्चार्ज देयर ट्रस्ट एज अ ट्रस्टीज। फिर आगे उसके चैप्टर्स आते हैं, जैसे सेक्शन 12 है जिसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट्स जिसकी इन्फोर्समेंट होती है, सेक्शन 21 है वो कॉन्ट्रैक्ट्स जिसकी इन्फोर्समेंट नहीं होती। फिर आगे दूसरा चैप्टर आता है जिसके अंदर डिक्लेरेशन है कि डिक्लेरेशन, क्योंकि हर सूट के अंदर तकरीबन 90% जो लिटिगेशन कोर्ट्स में होती है दैट इज आउटकम ऑफ स्पेसिफिक इफेक्ट, और उसके अंदर परपिचुअल इंजंक्शंस, मैंडेटरी इंजंक्शंस वगैरह इट्स। तो ये इस तरह से हमने स्टेट्यूट्स को उस तरह से पढ़ना है और चैप्टर वाइज हमें उसको देखना है कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से आप एग्जामिनेशन कोई भी अटेम्प्ट करते हैं, कोई एग्जामिनेशन देते हैं, तो उसका एक मेथड समझने के लिए आप पास्ट पेपर्स भी कंसल्ट करते हैं। कहीं पास्ट पेपर्स खाली होते हैं, कहीं पास्ट पेपर सॉल्व होते हैं, तो आपका एक वे और मैकेनिज्म एग्जामिनेशन का सामने आ जाता है। अभी हमने इस वीडियो में तो आपके साथ ये बातें शेयर की, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली ये अटेम्प्ट करेंगे आपके सामने कि ये जो स्क्रीनिंग पेपर होता है वो किस तरह से हम अटेम्प्ट करते हैं, रिटर्न किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, और वाई ओ सी किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह वी शैल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।